दोस्तों आज मैं आपकी स्पेशल डिमांड पर आपके लिए अनारसी की वीडियो लेकर आई हूँ, जो एक स्वीट डिश है। इसको तीज और रक्षाबंधन के त्यौहार पर बनाते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, अर्चना होम किचन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने आधी किलो चावल लिए हैं, ये मोटे वाले चावल हैं और ये मोटे वाले चावल के ही अंदर से बढ़िया बनते हैं। अब इनको हम दो तीन बार वॉश कर लेंगे और फिर साफ पानी में इन्हें भिगो कर रख देंगे 3 दिन के लिए। और इनके हर दिन हम पानी चेंज करेंगे, नहीं तो हमारे चावलों में स्मेल आने लगेगी। अब ये हमारा दूसरा दिन है, अब इसका हम पानी चेंज कर रहे हैं। इस पानी को हम निकाल देंगे और साफ पानी को डाल देंगे इसमें। ये मैंने साफ पानी डाल दिया है, अब फिर से हम इसे भिगोने के लिए रख देंगे। चावल को भिगोए मुझे 3 दिन हो गए हैं, तीनों दिन मैंने इसका पानी चेंज कर दिया था और आज चौथा दिन है। अब इसका हम पूरा पानी निकाल देंगे। का पानी निकाल कर हम साफ पानी से एक बार धो लेंगे इन्हें। ये साफ पानी से मैंने धो लिए हैं और इनका पानी निकाल देंगे चलनी में डालकर। इसका पानी सारा निकल गया है, हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और इसे हम पंखे में डालेंगे। इसका चावलों को सुखाना नहीं है, चावलों का पानी सुखाना है हमें। केवल आधा पौन घंटा हम पंखे में ही डालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर इस पर हाथ से ऐसे कर देंगे। ये देखिए हमारा पानी सारा सूख गया है, चावल इस तरह से हो गए हैं हमारी। ये अब इनको हम पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें थोड़े थोड़े चावल डालकर हम पीसेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये चावल पिस गए हैं, अब इन्हें छान लेंगे हम। अभी मोटे चावलों को हम दोबारा से पीसेंगे और थोड़े से चावल और बढ़ा लेंगे इसमें। अब दोबारा से भी मैंने ये पीस लिए हैं, इसी तरह से हम सारे चावलों को पीस लेंगे। अब ये सारे चावल पिस गए हैं मेरे। ये देखिए हल्का सा इसमें नमी है। और ये मैंने अब 350 ग्राम बूरा लिया है, इसको हम इसमें मिला देंगे। आधा किलो में मैंने 350 ग्राम बूरा लिया है, अब इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा सूखा है, इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे और मिलाकर रात भर के लिए रख देंगे। इसमें जितनी भी चावलों में नमी होगी तो ये हमारा मिक्स हो जाएगा। अब इनको हम ढककर रात भर के लिए रख देंगे। अगले दिन सुबह ऐसे हम देख लेते हैं। ये देखिए चावलों ने हमारा पानी छोड़ दिया है और मिक्स होकर हमारा डो बिल्कुल सही हो गया है। ये रात को मैंने 1 ही चम्मच पानी डाला था इसमें, इससे ज़्यादा पानी ना डालें नहीं तो डो पतला हो जाएगा। देखिए चिकना डो हमारा बनकर तैयार है। ये मैंने घी गरम होने रख दिया है, आप ऑयल पे भी बना सकती हैं। इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, जितने बड़े हमें बनाने हैं उतनी लोइयां तोड़ेंगे हम। अब ये एक मैंने चक्रा लिया है, चक्रे पे मैंने पन्नी रखी है और इसको हाथ से इस तरह से बेलेंगे हम। अब पन्नी को उठाएंगे हम हाथ पर, इस तरह से इसको हटाएंगे पन्नी से। अब इसको हम घी में डालेंगे। इनको मीडियम आंच पर पकाएंगे और इन्हें पलटना नहीं है, इनको एक ही तरफ से सेकते हैं और इस तरह से करछुली से ऊपर घी डालते जाते हैं ताकि ये ऊपर से भी सिक जाए
इस तरह से करछली से घी हम ऊपर करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा सिक गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका सिककर। अब दूसरा डाल रहे हैं हम, इसको भी इसी तरह से सेकेंगे हम। ये दूसरा भी हमारा सिक गया। ये कितना सुंदर कलर आया हमारा। हम अब एक बार में दो सेकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सेकने हैं हमें, डालने हैं कढ़ाई में नहीं तो टूटेंगे ये। ये देखिए सिक गए दोनों, इनको भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी अंदर से हम सेक लेंगे। ये देखिए हमारे अंदर से बनकर तैयार हैं, इन्हें तीजों पर ज़रूर बनाएं, इस नई मिठाई के साथ इस त्यौहार को और मीठा बनाएं। दोस्तों आप सबको तीज और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये अंदर से कैसे बनी है।